हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैबुलस फैक्टोलॉजी। फ्रेंड्स, मिर्च के बिना तो कोई भी भारतीय खाना अधूरा है। घरों में आम तौर पर दो तरह की मिर्च होती हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च। हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों दिखने में तो एक जैसी होती हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग स्वाद हैं और अलग अलग स्वास्थ्य लाभ भी हैं। हरे रंग की मिर्च जब पुरानी होने लगती है या फिर सूख जाती है तो वो लाल हो जाती है और अधिक तीखी हो जाती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि दोनों मिर्च में से हमारे शरीर के लिए कौन सी अधिक फायदेमंद है। तो पहले हम लाल मिर्च और हरी मिर्च में अंतर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, लाल मिर्च पाउडर की तुलना में हरी मिर्च निश्चित रूप से ज्यादा हेल्दी होती है। हरी मिर्च में पानी की मात्रा अधिक होती है और कैलोरी शून्य होती है। ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है जो अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरी मिर्च बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और एंडोर्फिन का एक समृद्ध स्रोत है, जबकि लाल मिर्च का अधिक सेवन करने से आंतरिक सूजन हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेप्टिक अल्सर हो सकता है। वहीं बाजार में मौजूद लाल मिर्च पाउडर में आर्टिफिशियल कलर और सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल होने की संभावना बहुत अधिक है। आइए जानते हैं कि हरी मिर्च के क्या फायदे होते हैं। हरी मिर्च का नियमित रूप से सेवन करने से इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करके हाई ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद मिलती है। फाइबर से भरपूर हरी मिर्च बेहतर पाचन में मदद करती है। हरी मिर्च विटामिन ई और सी का एक समृद्ध स्रोत है, जो स्वस्थ त्वचा के लिए बहुत अच्छी है। बीटा कैरोटीन होने के कारण हरी मिर्च कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कार्य को ठीक से बनाए रखने में मदद करती है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करती है। हरी मिर्च कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करती है और इसीलिए वजन घटाने में भी ये मदद करती है। अब जान लेते हैं कि लाल मिर्च के क्या फायदे होते हैं। लाल मिर्च में हाई पोटेशियम होने के कारण ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक यौगिक शरीर में मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाता है, जो सीधे कैलोरी बर्न करता है। लाल मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करने और पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। लाल मिर्च में बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं और धमनियों की रुकावटों को दूर करने में मदद करते हैं। आइए अब जानते हैं कि लाल मिर्च या हरी मिर्च कौन सी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से साबुत सूखी लाल मिर्च पाउडर की तुलना में अधिक फायदेमंद होती है, क्योंकि वो मूल रूप से सूखी पकी हुई हरी मिर्च ही है। लाल सूखी मिर्च का उपयोग खाने में तीखेपन के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लाल मिर्च पाउडर की तुलना में लाल मिर्च का उपयोग करना सुरक्षित है, लेकिन हरी मिर्च खाना अधिक फायदेमंद है, क्योंकि ये ताजी होती है और ये ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।